यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर, जहानाबाद फ्रॉम सिर्जन कला से। कल हम आपका एक एसे लिखाए थे, राइजिंग प्राइस महंगाई है ना। अभी बहुत सारे लाइट का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है ना, इसलिए कल 20 मिनट का वीडियो बना था क्योंकि इन्वर्टर है जो डाउन हो चुका था। तो आज हम लोग महंगाई के जो राइजिंग प्राइस एसे लिखाए थे उसका आज हम लोग हिंदी जानेंगे, उसका आज हिंदी सीखेंगे, उसका हिंदी क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो यहाँ थोड़ा हम बता दे रहे हैं, कुछ वर्ड मीनिंग है उसको हम हिंदी कर दे रहे हैं, कुछ वर्ड मीनिंग है उसका हिंदी समझ जाइएगा। ऐसे आप लोग भली बात ही जानते होंगे, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। मेन मतलब मुख, मेन का मतलब मुख। थोड़ा देख लीजिए, अफेक्ट प्रभावित करना, द रीच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, गरीब लोग। इक्वल मतलब समान, बराबर। टच माने छूना, छूना। सो दर्शाना, बतलाना। कॉमोडिटीज वस्तु, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी वस्तु। नोट कीजिए, वंचित होना, वंचित होना। हाई एजुकेशन उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। हाई एजुकेशन उच्च शिक्षा ड्यू टू, कारण, ड्यू टू कारण। गार्जियन अभिभावक, अभिभावक। फैसिलिटी सुविधा, सुविधा। फैसिलिटी सुविधा। मिडिल क्लास मध्य वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग। कंप्लीट पूरा करना, कंप्लीट पूरा करना। द ड्रीम ऑफ पेरेंट्स,
माँ बाप का सपना, माँ बाप का सपना, द ड्रीम ऑफ पेरेंट्स, लेम, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, लेकिन यहाँ सही अर्थ होगा लाचार, लाचार। एडवांस्ड नॉलेज, एडवांस्ड नॉलेज, उच्च ज्ञान, उच्च ज्ञान, उच्च ज्ञान, एडवांस नॉलेज। कारण, इंक्वायरी, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, करप्ट, भ्रष्ट, भ्रष्ट, करप्ट, भ्रष्ट, ऑफिसर, पदाधिकारी, पदाधिकारी, लीडर मीन्स जानवे करते हैं नेता, मिनिस्टर, मंत्री, मिनिस्टर, मंत्री, स्कैंडल, स्कैंडल, घोटाला करना, घोटाला करना, डिपार्टमेंट, 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 विभाग, विभाग, डिपार्टमेंट, विभाग, पे, पी ए वाई, चुकाना, टैक्स, कर, ऋण, ऋण, टैक्स, पार्ट, पार्ट मीन्स भाग, पी ए आर टी, पार्ट मीन्स भाग, हिस्सा, पी ए आर टी, पार्ट, ग्रो, उपजाना, उपजाना, ग्रेन, ग्रेन, अनाज, ग्रेन मीन्स अनाज, फेलुअर, असफल, असफल, मॉनसून, मौसम, टेक अ स्टेप, कदम उठाना, कदम बढ़ाना, लिख लो इसको, देखिए राइजिंग प्राइस, महंगाई, अब इसका ये एस्से है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम अब हिंदी करने जा रहे हैं।
महंगाई क्या है, जिसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं कि आखिर महंगाई क्या है। महंगाई एक ऐसी दीमक है ना, जो सभी लोगों को प्रभावित करता है, सभी लोगों को खोखला कर देता है। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में है ना, हम लोग भली भांति सभी मानव जानता है कि आखिर महंगाई क्या है और महंगाई के कारण कौन कौन से परेशानी हमारे जीवन में आता है। तो बहुत आज के समाज में, आज की दुनिया में राइजिंग प्राइस है जो एक बर्निंग पॉइंट है ना, बर्निंग पॉइंट है। और आज ये हम लोग को महंगाई के कारण हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति का अपना मोटो, अपना उद्देश्य है जो पूरा नहीं हो पाता है सिर्फ महंगाई के कारण। और महंगाई है जो हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करने का काम किया है। और ये ऐसी चीज़ है जो इसके समझने के लिए शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि महंगाई के बारे में सिर्फ शिक्षित व्यक्ति ही जान पाएगा, अशिक्षित व्यक्ति भी जान पाएंगे कि आखिर महंगाई का क्या दर्द होता है, महंगाई का क्या मार होता है और महंगाई से हम लोग को जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आखिर महंगाई क्या है उसके बारे में हम लोग को जानना है कि आखिर महंगाई है क्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्से है, निबंध है ना, जो महंगाई के बारे में बतलाया गया है कि आखिर महंगाई क्या है। राइजिंग प्राइस का मतलब होता है महंगाई। अब समझिएगा, जो आपको ऐसे कल हम लिखाए थे उसी का ये बतला रहे हैं। आप लोग कॉपी में लाइन देखिएगा, अर्थ हिंदी करके देखिएगा, आराम से समझ जाइएगा, इतना सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तो कहता है कि राइजिंग प्राइस इज ए बिग प्रॉब्लम। हमारा सेंटेंस है कि राइजिंग प्राइस इज ए बिग प्रॉब्लम, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के दौर में, आज के युग में, जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, अभी जो हम लोग मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, मॉडर्न एज में हम लोग रह रहे हैं, उसमें अगर हमारे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी अगर कोई जीवन में रोड़ा है ना, वो बाधा है, वो क्या है, महंगाई है। तो महंगाई एक बहुत बड़ी आज की जीवन में समस्या बन चुका है मानव जीवन में। इट इज़ नॉट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। और महंगाई सिर्फ ये भारत की ही समस्या नहीं है। ऐसा बात मत समझना कि महंगाई सिर्फ भारत में ही है और भारत में और ये समस्या से भारत को बहुत बड़ी समस्या हो चुका है। नहीं, ये सिर्फ इंडिया के ही समस्या नहीं है। इट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। और आज महंगाई है जो पूरी दुनिया का मुख्य समस्या है ना। इसीलिए महंगाई तो एक बहुत बड़ी समस्या है बाबू, है ना। और ये सिर्फ समस्या भारत के लिए नहीं है, ये समस्या इंडिया के लिए नहीं है, ये समस्या सिर्फ भारत के लोगों को लिए नहीं है। ये आज ये समस्या, महंगाई जो समस्या है, वो पूरी दुनिया का समस्या बन चुका है। कहता है कि इट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज़ अफेक्टेड द रिच एंड द पुअर। और महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो अमीर लोगों को भी प्रभावित किया है और गरीब लोगों को भी प्रभावित किया है। ऐसा बात नहीं है, अब कहिए कि सर ऐसा तो सर बतला रहे हैं कि या अमीर लोग के कुछ प्रभावित होगा है ना, इससे तो गरीब लोग प्रभावित हैं। तो ऐसा बात नहीं है, महंगाई एक ऐसी बीमारी है जो अमीर लोग भी इससे त्राहिमाम हैं और गरीब लोग के तो कहने नहीं है, है ना, मिडिल फैमिली वाले का तो कहना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, महंगाई एक ऐसी चीज़ है रे बाबू जिससे अमीर लोग भी परेशान हैं, गरीब लोग भी परेशान हैं। महंगाई है जो अमीर लोगों को भी प्रभावित किया है और गरीब लोगों को भी प्रभावित किया है। कैसे, मान लिया कि कोई अमीर व्यक्ति है, उसका कोई बिजनेस है रे बाबू, और वो बिजनेस है और वो बिजनेस कोई चीज़ का कंपनी है और वो किसी कंपनी में किसी चीज़ को वो निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। वो 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीद रहा था, है ना,
और उसको मैन्युफैक्चरिंग करते करते मान लिया कि वो उसको 250 या 300 में बेच रहा है ना। अब महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो जो 100 रुपया में वस्तु खरीद रहा था वो अब उसको 300 में खरीदना पड़ेगा है ना। जो लेबर को दे रहा था वो 300 रुपया, वो अब लेबर कहा कि नहीं सर अब 300 में नहीं काम करेंगे, तो लेबर का भी महीना बढ़ गया। जो उसके यहाँ मैनेजर है ना 1 लाख के महीना ले रहा था, 50,000 के ले रहा था, उसको भी बढ़ा दिया। अब मान लिया कि 100 रुपया बेच रहा था है ना, तब इसको कर देगा दोगुना कि नहीं इसको हम 600 में बेचेंगे। लेकिन परेशानी तो हुआ, जितना इस 100 रुपया में खरीद के 300 में बेच रहा था उतना ही उससे कम अब बेनिफिट भी होगा। 600 में बेचेगा तो उससे कम लाभ होगा, क्योंकि इसका जितने भी कर्मचारीगण हैं जो अपना अपना पेमेंट बढ़ा दिया है ना। तो महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो अमीर लोगों को भी प्रभावित किया है, गरीब लोगों को भी प्रभावित किया है। अभी देखो बहुत सारे छोटे रोजगार वाला है ना, बहुत सारे कंपनी है जो बंद हो गया, किसके कारण? महंगाई के कारण। क्योंकि वो किसी वस्तु को तो खरीद रहा था, अब उसका मूल्य काफ़ी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है लेकिन रेट, लेबर रेट, मजदूरा का रेट है ना, वहाँ के कर्मचारी लोग का रेट बहुत आसमान पर चल गया। तो बहुत मिडिल जो छोटा व्यापारी था वो अपने कारोबार को आज सिमट चुका है, बंद कर चुका है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इससे प्रभावित हो चुके हैं है ना। अभी तो बतलाएँ कि बहुत सारे रीजन है कैसे कैसे कोई वस्तु को कैसे खरीद रहा था, अब कैसे बेच रहा है। तो ये गरीब लोगों को भी प्रभावित किया है और अमीर लोगों को भी प्रभावित किया है, बट द पुअर आर मोर अफेक्टेड। लेकिन इससे सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित है तो वो गरीब लोग ही प्रभावित हैं है ना। कहता है कि गॉड मेड ऑल ह्यूमन बींग्स इक्वल, और मानव है जो सभी ईश्वर हैं जो सभी मानव को एक समान बनाए हैं, लेकिन कहता है बट राइजिंग प्राइस शोज डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। लेकिन महंगाई है जो बाबू हम लोगों को बतला देता है कि अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में क्या अंतर है। गरीब आदमी के भी देखो दो हाथ दो पैर है ना, सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज़ है रे बाबू कि हम लोगों को एहसास दिला देता है कि अमीर लोग कौन है, गरीब लोग कौन है। ये मानव के बीच में डिफरेंस को बतलाता है वो कौन है, महंगाई। आप भी व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति है। कोई व्यक्ति साइकिल से घूम रहा है और कोई है जो 4-व्हीलर से घूम रहा है। किसी के थाली में सिर्फ रोटी है ना, सब्जी भी नहीं जुट रहा, और बगल वाला पड़ोसी है जो बहुत अच्छे तरीका से व्यंजन खा रहा है, विभिन्न प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के पकवान खा रहा है, वो ऐसो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वहाँ पर महंगाई है, वहाँ पर है जो दर्शा दिया कि कौन महंगाई, कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो इसीलिए कहता है कि ईश्वर ने सभी मानव को एक समान बनाए हैं, लेकिन राइजिंग प्राइस शोज डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। लेकिन महंगाई है जो दर्शा देता है कि कौन व्यक्ति अमीर है, अमीर और गरीब के बीच में क्या अंतर है। कहता है राइजिंग प्राइस इज टचिंग द स्काई, और महंगाई है जो आज आसमान को छू रहा है बाबू। आज हर एक चीज आके मार्केट में देखो, हर एक चीज का कीमत काफ़ी बढ़ चुका है। ऑल कॉमोडिटीज आर इन हाई प्राइस, और सभी वस्तुओं का कीमत काफ़ी है रे बाबू। और जितना भी एक टूथपेस्ट, नमक हो, जो भी हो है ना, देखो उसका कीमत काफ़ी बाजार में मिल, उसको देखने के लिए कीमत काफ़ी मिलेगा। द पीपुल आर डिप्राइड ऑफ हाई एजुकेशन ड्यू टू राइजिंग प्राइस। सबसे मार्केबल बात कि लोग हैं जो उच्च शिक्षा से वंचित हैं, किसके कारण? महंगाई के कारण। बहुत सारे लेबोरियस व्यक्ति, स्कॉलर व्यक्ति, वैसा स्टूडेंट जो स्कॉलर है, विद्वान है, मेरिट है, कैपेसिटी है, लेकिन वो है जो उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो बढ़िया कॉलेज में दाखिल नहीं ले सकता है, बढ़िया इंस्टीट्यूट में वो अपना फीस को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा से वंचित है। किसके कारण? महंगाई के कारण। गरीब के बाल बच्चा चाह कर भी उसने का परसेंट 2% है जो बहुत संघर्ष करके
उच्च मुकाम को हासिल कर लेता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन आज गरीब के बाल बच्चे 70% 60% हैं जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उच्च शिक्षा का मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कैट की तैयारी, मैट की तैयारी, ये सभी तभी हो पाएगा जब आपकी जेब में क्या होगा, पैसा होगा। आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और चाहिएगा कि मिडिल फैमिली मतलब एक गो कमाए वाला, 10 गो खाए वाला, और आप 4 गो भाई हैं तो चारों भाई में चारों डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता। बाबूजी हम लोग को चारों को कोटा या कहीं पर भी विदेश नहीं भेज सकते, उसमें से 1-2 गो भाई है जो एडजस्ट होगा, और बहुत मुश्किल से। इसीलिए कहा जाता है कि द पीपुल आर डिप्राइड ऑफ हाई एजुकेशन ड्यू टू राइजिंग प्राइस, इसलिए लोग हैं जो उच्च शिक्षा से वंचित हैं महंगाई के कारण। द गार्जियन आर नॉट गिविंग ऑल फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रेन, और अभिभावक लोग अपने बच्चे को सारे सुख सुविधा नहीं दे रहे हैं, किसके कारण, महंगाई के कारण। अभी उसका उदाहरण हम दिए थे कि मान लीजिए कि हम लोग 4 भाई हैं, है ना, तो 4 भाई में देखिएगा कि चाहकर भी बाबूजी हम लोग के गार्जियन मिडिल फैमिली वाले, है ना, चारों को उच्च शिक्षा देने पे दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस अधिक है, बढ़िया कॉलेज का फीस अधिक है, तो उसमें से देखिएगा कि एकाग वो व्यक्ति है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाता है, घर के एकाग मेंबर है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को सारी सुविधा नहीं दे रहे हैं, किसके कारण, महंगाई के कारण। अभी देखो ये छुदूर इलाका में, मतलब इंटायर इलाका में, आज हमारे गार्जियन देखो कोई टाउन है, टाउन में पढ़ने के लिए, है ना, हमारे गार्जियन बहुत हिम्मत करते हैं कि जाओ जाके पढ़ो जहानाबाद या कहीं भी टाउन में, है ना, तो बहुत सारे गार्जियन हैं जो जिसका बाल बच्चा के पास टैलेंट रहता है, अपने दम के बदौलत मैट्रिक पास करता है और उसका सपना रहता है कि हम भी कोई टाउन में जाते और पढ़ते, लेकिन हमारे गार्जियन के पास, है ना, पैसा के लाचारी के कारण, फीस इतना अधिक है उसके कारण, है ना, वो चाहकर पटना या कहीं पर भी नहीं भेज पाते हैं। तो आज हमारे गार्जियन हैं जो अपने बाल बच्चे को पूरी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, किसके कारण, महंगाई के कारण। द पीपुल ऑफ मिडिल क्लास आर नॉट गेटिंग हाई एजुकेशन ड्यू टू राइजिंग प्राइस, और बहुत, और कहता है कि मिडिल क्लास के लोग, द पीपुल ऑफ मिडिल क्लास, और मध्य वर्ग के लोग, है ना, मिडिल फैमिली के लोग, 1 कमाए वाला 10 वो खाने वाला, उच्च शिक्षा को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, किसके कारण, महंगाई के कारण। दे आर नॉट कंप्लीटिंग द ड्रीम ऑफ पेरेंट्स ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, और वे लोग अपने माता पिता को सपना को पूरा नहीं कर रहे हैं, किसके कारण, महंगाई के कारण, अपने माँ बाप को सपना को पूरा नहीं करता। आज हमारे बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो लेबर में काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, किसी के यहाँ जाकर गार्ड में काम करते हैं और वो कमा कर आते हैं, तो हमारे परिवार में रहने वाले लोग, उनके बाल बच्चे हैं जो माँ बाप के दुख को, तकलीफ़ को देखकर वो अपना दिल में मोटो बना लेता है, उद्देश्य बना लेता है कि हम मैट्रिक करके ISC करके नौकरी जरूर प्राप्त करेंगे। बेचारा तो हिम्मत बांध लेता है, वो अपने माँ बाप के दुख तकलीफ़ को देखता है, है ना, कि मेरे बाबूजी की स्थिति क्या है, लेकिन उसके पास आगे चलकर लाचारी आ जाता है। वो मैट्रिक तो पास कर जाता है किसी तरह से, ISC भी पास कर जाता है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके पास पैसा नहीं रह पाता है। इसीलिए आज गरीब के बाल बच्चे जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास हुनर है, जिसके पास मेरिट है, जिसके पास एबिलिटी है, और वो अपने माँ बाप को सपना को पूरा नहीं कर पाता है सिर्फ महंगाई के कारण, क्योंकि उसको उसके माँ बाप को, गरीब के बाल बच्चा को सपना पूरा करने के लिए उसको जाना पड़ता बढ़िया एक नामी इंस्टीट्यूट में, बढ़िया हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अच्छे संस्थान में, अच्छे कॉलेज में, लेकिन वो चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और जो नामी इंस्टीट्यूट है उसका फीस बहुत ही काफ़ी है, जो उनके गार्जियन, हमारे गार्जियन उसको चुका नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे Super 30 अनंत कुमार का, आप मूवी के माध्यम से देख सकते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। अब देखो गरीब अगर वो व्यक्ति अगर नहीं पढ़ाता तो आज गरीब के बाल बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को सपना को पूरा नहीं कर पाते, लोग इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाता, है ना, तो सोचो
कि गरीब के बाल बच्चे के पास कितना टैलेंट रहता है, उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो हर एक मुकाम को अपने मेहनत के बदौलत प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत है और उच्च शिक्षा महंगाई के कारण वो प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए आज गरीब के बाल बच्चे अपने माता पिता को सपना को पूरा नहीं कर रहे। किसके कारण? महंगाई के कारण। वो माँ बाप को ठेला चलाते मजदूरी करते देखता है तो मन में जरूर उठता है कि माँ बाप के कष्ट को मिटा देंगे, लेकिन मैट्रिक IAS करते करते जब वो उसको उच्च शिक्षा की ज़रूरत आता है तो वो उच्च शिक्षा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और अदर नामी इंस्टीट्यूट का फीस अधिक रहता है, तो बेचारा लाचारी में क्या करता है कि चाहे छोटा नौकरी लेकर खुश हो जाता है, न तो लुधियाना पंजाब दिल्ली कंपनी में कमाने के लिए चला जाता है, अपने टैलेंट को भी वो नहीं दिखा पाता है। तो इसीलिए आज गरीब के बाल बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के सपना को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो किसके कारण? ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के कारण, महंगाई के कारण। कहता है कि इट इज जस्ट लाइक स्वीट पॉइजन, और महंगाई है जो एक बिल्कुल मीठी जहर की तरह है, ये आदमी को पता नहीं चलता है। हम लोग देखे होंगे, आप लोग चीनी लाने जाते होंगे तो कहते हैं कैसे है जी, तो 25 रुपये, फिर गए एक आम महीना 10 दिन के बाद कैसे है, तो 27 के, ऐसे करते करते जब 50 को हो जाता है तो जब दुकानदार भी गए कैसे है, तो 50 के हो गया, 50 रुपये किलो, तो हमने बड़े चहा के बोलते हैं 50 रुपये हो गया। तो ये महंगाई है जो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, मीठी जहर की तरह आदमी को एहसास नहीं होता है, ना धीरे धीरे हम लोग को मालूम चलता है। कहता है कि मोस्टली पुअर डिपेंड ऑन राइस, पल्स, ओनियन एंड वेजिटेबल्स, और अधिकांश गरीब लोग निर्भर करते हैं चावल पर, दाल पर, प्याज पर और सब्जी पर। आज गरीब लोग का मुख्य भोजन यही है, दाल रोटी मिल गया बहुत है, लेकिन लेकिन आज द प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज जस्ट लाइक गोल्ड, लेकिन आज सब्जी का भी कीमत बिल्कुल सोने का जैसा है। आज गरीब लोग भी चाहेगा कि हम हरी सब्जी खा लें तो ये नामुमकिन है ना, क्योंकि आज गरीब के लिए सब्जी भी क्या हो गया है, बिल्कुल सोना के जैसा हो गया। जिस तरह से अमीर लोग सोना पहनते हैं, उसी प्रकार से आज गरीब लोगों के जीवन में सब्जी है जो बिल्कुल सोना के भाव के जैसा है। आज देखो, बहुत पहले 200 रुपये अथी हो गया था दाल वगैरह, राहर का हो या कोई भी दलहन, उसका कीमत काफ़ी हो गया था। अब गरीब लोग देखो जो 300 रुपया लेबर में काम करते हैं, बहुत सारे हमारे गार्जियन, वो बताओ 300 में वो घर के चावल लावेंगे कि दाल लावेंगे कि सब्जी लेकर आएंगे, है ना। तो आज गरीब लोग, अधिकांश गरीब लोग दाल रोटी और सब्जी पर ही निर्भर करते थे, प्याज पर, लेकिन आज वेजिटेबल का भी कीमत है जो क्या हो गया है, बिल्कुल सोने का भाव का जैसे हो गया। कहता है कि आवर गवर्नमेंट बिकेम लेम बिफोर इट, और हमारी सरकार है जो इसके सामने, महंगाई के सामने बिल्कुल लाचार हो गई है ना, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। मेनी लेबोरियस स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एडवांस नॉलेज ड्यू टू राइजिंग प्राइस, और बहुत सारे मेहनती परिश्रमी विद्यार्थी उच्च ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। किसके कारण? महंगाई के कारण। दे आर मेनी रीजन्स फॉर राइजिंग प्राइस, और महंगाई के बहुत सारे कारण हैं, महंगाई के बहुत सारे कारण हैं। देयर इज नो इंक्वायरी ऑन करप्ट लीडर, मिनिस्टर एंड ऑफिसर। कहता है कि महंगाई का अगर कोई सबसे बड़ी कारण है तो कहता है कि करप्ट लीडर, भ्रष्ट नेता, मिनिस्टर, मंत्री और पदाधिकारी के ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं होता है, और महंगाई का मुख्य कारण है क्योंकि दे आर स्कैंडल इन देयर डिपार्टमेंट, क्योंकि वे लोग अपने विभाग में क्या करते हैं, घोटाला करते हैं। आज महंगाई का मुख्य कारण अगर कोई है, महंगाई का मुख्य कारण है तो हमारी सरकार है रे बाबू, है ना। आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग भली भांति बुद्धिजीवी हैं और कोई ना कोई पार्टी से आज दुनिया में कोई, सभी लोग कोई ना कोई पार्टी को फॉलो करता है, कोई ना कोई पार्टी को अपना वो मानता है कि मेरे पार्टी का नेता ये है, हम इसको फॉलो करते हैं। अब देखो, जब चुनाव आता है, चुनाव आएगा तो हमारी सरकार कहता है कि हमको वोट देकर देखो, जितने भी पार्टी हैं, है ना, जो महंगाई के दौरान हम स्टॉप कर देंगे, तुरंत बोलेगा कि हमको तो सपोर्ट कीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, है ना,
ये सभी चीज को हम खत्म कर देंगे, एक बार हमको मौका दीजिए। लेकिन वो जनता को उल्लू बनाकर फिर वो अपना सरकार बना लेती है। देखो महंगाई क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि हमारे देश के नेता जो भी हैं, है ना, ये पूरे वर्ल्ड के नेता सभी अब स्वार्थी हो गए हैं। वो किसी तरह से राजपाट चलाना चाहते हैं, वो कुर्सी का सिर्फ लोभी बन चुके हैं। अब देखो मान लिया कीजिए, अब भारत की बात बता रहे हैं तो भारत में दो ही मुख पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। अब देखो ये दो ही मुख पार्टी है, जब भी देश में राज करेगा तो यही दो पार्टी राज करेगा, बाकी जितना भी अब नीतीश जी का पार्टी, लालू जी का पार्टी, रामविलास जी का पार्टी, ये सभी क्षेत्रीय पार्टी है ना, ये क्षेत्रीय पार्टी है। अगर पूरे देश में राज करेगा तो बीजेपी या कांग्रेस करेगा। अब देखिए चुनाव आता है तो ये अपना अपना मैनिफेस्टो बनाता है ना, कि हम मेरा सरकार आवेगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, महंगाई को जो भी है सभी मुद्दा को बोलता है अपना मैनिफेस्टो में। बीजेपी वाला भी बोलता है, सब कोई बोलता है। अब इन लोग देखो, इन लोग को चुनाव लड़ाने का काम किसका है, इन लोग हेलीकॉप्टर पर जितना भी लोग घूमता है तो ये अपने पैसा से घूमता है, ये अपने बाबूजी का गेहूँ बेच के घूम रहा है। ये लोग क्या करता है कि भारत में जितने भी नामी नामी अरबपति खरबपति जो बिजनेसमैन है उन लोग को पकड़ता है ना, बिजनेसमैन को पकड़ लिया, कह रहे भाई तुम लोग चंदा दो है ना, हमको कोऑपरेट करो, सरकार बनेगा है ना, हम भी मदद करेंगे तुमको। बिजनेसमैन एक ऐसा चीज़ है, बिजनेसमैन जो असली बिजनेसमैन होता है वो घर के भी लोग जाएगा तो उसको लॉस में कोई सामान नहीं दे सकता है, असली बिजनेसमैन का असूल है। आप लोग कोई दुकान में जाते होंगे तो कोई दुकानदार आपको ठंडा दे देता है तो ही ना समझिए कि वो कहीं से कपड़ा ले जाते हैं ना, या इतना सामान कीनते हैं तो हमारा रिस्पेक्ट में इतना कर दिया, वो ठंडों के पैसा ओकरा पर ऐड है ना। असली बिजनेसमैन का असूल है, वो लॉस में कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन सोचेगा कि वो तो थोड़ा से ज़्यादा दिमाग है, तू अभी नेतगिरी कर रहा होकर खानदानी बिजनेस में, वो सोचेगा कि अरे बाप बीजेपी के खाली दे देंगे, कांग्रेस के ना देंगे, और सरकार कांग्रेस का आ गया तो फिर तो हमारा खटिए खड़ी कर देगा, इसलिए दोनों के दे देगा पैसा है ना, कि तुम भी हेलीकॉप्टर उड़ाओ, कांग्रेस वाला कहेगा तुम उड़ाओ, हम कि दोनों का तो चाबी जनता के पास में ना है जी। अब जनता जेकर बात से प्रभावित हो गया, उधर वोट दे दिया जनता, मान लिया कि सरकार बन गया बीजेपी या किसी का भी बन गया, अब दोनों में से तो किसी एक के बनेगा, बिजनेसमैन तो दोनों के पैसा दिया था, अब दोनों के दे दिया तो बनेगा कोई एक आदमी ना, मान लिया कि बन गया बीजेपी है ना। अभी तो कहा था कि हम बेरोजगारी महंगाई सब कुछ खत्म कर देंगे, तो हम जीरो पर ला देंगे। अब देखिए बिजनेसमैन के, एक बिजनेसमैन का हजार तरह का उसका बिजनेस है, जैसे रिलायंस के ले लो, चीनी का है, बिमल कपड़ा का दुकान है, उसका कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे है, पेट्रोल का धंधा करता है ना। तो आप देखो मान लिया मुकेश अंबानी इसको फंडिंग किया, या कोई भी व्यक्ति इसको फंडिंग किया, या कोई भी बिजनेसमैन फंडिंग किया। आप देखो बिजनेसमैन तो पहले ही बोल दिए थे कि वो घाटा का सौदा करता नहीं है, अब वो सोचा अरे बाप एकरो बहुत ब्लैंक चेक दिए थे, कांग्रेस के भी दिए थे, सरकार एक होके बना। अभी देखो इसको जितना भी प्रोडक्ट है, ये चीनी है जो भी है, अभी बीजेपी की सरकार बन गया तो अभी कहेगा कि ये अपना मनमाना तरीका से रेट अब अथी करेगा है ना, बिजनेसमैन कहे कि अब हम रेट बढ़ाएंगे, भाई कंपनी है मेरा दवा का जो 5 रुपया मिल रहा था वो 10 रुपया में, अब देखिएगा गौर से कि चुनाव के बाद कितना तेज़ी से रेट बढ़ता है ना। अब देखो ये बिजनेसमैन है, मान लिया कोई भी बिजनेसमैन है, अब उसको 15 तरह के काम है और 15 तरह का उसका बिजनेस है दवा का चीनी का, तो सब पर मूल बढ़ा दिया चुनाव के बाद कुछ महीना के बाद, तब बीजेपी वाले जो उनका है मेन बॉस जो कहेंगे अरे भाई हम तो वादा किए थे कि महंगाई सब कम कर देंगे जी, अभी रेट बढ़ा दिए, तो कहेंगे कहें सर तो मांगने के पैसा दिए थे है ना, तो फिर अगर 5 साल के बाद फिर ना आना सत्ता में, तब वो चाह कर भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले फंडिंग ले लिए थे और हेलीकॉप्टर पर घूम रहे थे, अभी जितना ही वादा किए थे वो सब फेल हो गया, चाहे केकरो सरकार रहे, हम किसी पर बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस भी रहता तो यही काम करता जो भी रहे। अब देखो यहाँ अभी सब जितना एजेंडा था वो ख़त्म हो गया, अब महंगाई के बोले थे कि ख़त्म हो जाएगा, तो महंगाई ख़त्म कैसे होगा, तो पलाई
हैं जो ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसमैन से जुड़े हुए हैं, और बिजनेसमैन का ही नहीं है, विमल कपड़ा हम लोग बनाते हैं। विमल कपड़ा का मालिक है रिलायंस कंपनी का, कपड़ा सब लोगों को पहनना है, उसका दावा का बिजनेस है, सब दावा पर 2-2 रुपया बढ़ा दिया तो सोचो कितना आबादी है, जितना फंडिंग किया होगा से तेगना चौगना आ जाएगा। तो इसीलिए आज कहता है कि मुख्य कारण यही है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री और पदाधिकारी पर कोई जांच पड़ताल नहीं है। मिनिस्टर बन जाता है, हम लोग जिता देते हैं, और सरकार पैसा देता है उसे विकास करने के लिए, तब विकास जनता के नहीं होता है। वो सरकार के पैसा था क्या चीज़ कि जाके आप अपने कोई ऐसा काम कीजिए जिससे गरीबों का लाभ हो, गरीब लोगों को फायदा हो, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो अपना डेवलपमेंट करता है, अपना विकास करता है। एक बार कोई नेता बन गया, मंत्री बन गया, तो उसका पूरा सात खानदान है जो ऐसो आराम से जीवन व्यतीत करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने विभाग में अच्छे तरीका से काम नहीं किए। वे लोग अपने विभाग में क्या करते हैं? घोटाला करते हैं। और ये भी एक क्या है, ये भी एक महंगाई का कारण है, क्योंकि आप जो घोटाला किए वो किसका पैसा था? सरकार की नहीं, वो जनता की गाढ़ी कमाई था, जिसको नेता मंत्री पदाधिकारी है जो गबन कर गया, खा गया, घोटाला कर दिया, है ना। पदाधिकारी के भी देखो, कोई भी ऑफिस में जाओ, है ना, पैसा लेता है, घूस लेता है ना। बड़े बड़े पदाधिकारी है जो पूरे खजाने को खाली करके चल जाता है। तो एक खजाना किसका है? एक खजाना है जो कोई नेता का नहीं है, वो सभी खजाना का हम लोग का है, जनता का है। और वो खजाने खत्म हो गया तो विकास शुरू होगा कहाँ से? महंगाई कैसे खत्म होगा? आप बताइए कि आपके पास है ना महंगाई, आपके पास 2 रुपया है तो आप हैं जो भुंजे खाने के लिए सोचिएगा ना। और जैसे आज अगर पैकेट में 1,000 रुपया तो भुंजा नजर आवेगा, कोई रेस्टोरेंट नजर आवेगा। तो उसी प्रकार से अगर सरकार में अगर करप्ट लीडर नहीं रहे, मिनिस्टर नहीं रहे, और जो जनता की गाढ़ी कमाई है, भ्रष्ट नेता पदाधिकारी नहीं रहेगा, तो वो है जो विकास का काम करेगा, वो दूरदर्शी होगा, वो जनता लोगों के बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेता को देखो, घोटाला किया, विधायक मंत्री घोटाला किया, पदाधिकारी घोटाला किया, उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं है, है ना। घोटाला कर देता है, ज़्यादा ज़्यादा बर्खास्त हुआ, कुछ दिन केस चला, फिर क्लीन चिट हो गया। अब उतना रुपया किसका गमन हो गया? सरकार का नहीं, जनता का गमन हो गया, तो महंगाई रुकेगा कहाँ से, है ना। इसलिए कहता है कि देयर इज नो इंक्वायरी ऑन करप्ट लीडर मिनिस्टर एंड ऑफिसर, देयर स्कैंडल इन देयर डिपार्टमेंट। कहता है कि आज कोई भी जांच पड़ताल नहीं है भ्रष्ट नेता के ऊपर, मंत्री के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर, और दे स्कैंडल इन देयर डिपार्टमेंट, और वे लोग अपने विभाग में घोटाला करते हैं। इट इज ऑल्सो रीजन फॉर राइजिंग प्राइस, और यह भी महंगाई के लिए कारण है। द बिग बिजनेसमैन डज नॉट पे हिज रियल टैक्स, इट इज पार्ट ऑफ राइजिंग प्राइस, और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने रियल टैक्स को नहीं चुकाते हैं, यह भी एक महंगाई का अंग है, भाग है महंगाई बढ़ने का। अब बड़े बड़े उद्योगपति है, अब छोटा उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति उसको रियल टैक्स नहीं देता, कमाई है कितनों कहता है कि इतना कमाई हो रहा है ना। जब उसको पूछेगा सरकार में बड़े पदाधिकारी का, आप तो इतना कमा रहे हैं जी, टैक्स इतने देते हैं, तो कहेगा कि तो फिर ना चुनाव लड़ लगी है वह, फिर अब हमारा से कोई काम ना है। अब बताओ, अगर कोई सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति से सिर्फ रियल टैक्स ले, तो हम लोग के पास इतना पैसा आ जाएगा भारत सरकार के खजाना में, इतना पैसा आ जाएगा कि महंगाई, गरीबी, सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो लेगा नहीं, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन पहले ही इसको दोनों को घूमने के लिए हेलीकॉप्टर हर एक चीज़ को अरेंज कर दिया था। तो बड़े बड़े उद्योगपति आज हैं जो अपने रियल टैक्स को नहीं देते हैं, टैक्स कोई अगर सही ईमानदारी से देने लगे तो उसका पैसा कहाँ जाएगा? खजाना में जाएगा। और अगर वहाँ पर करप्ट नेता, करप्ट मंत्री नहीं रहेगा, तो उससे देश का विकास होगा, महंगाई से लेकर बेरोजगारी सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सभी लोग दोषी हैं। कहता है कि टुडे, और सबसे बड़ी टुडे द फेल्यूअर ऑफ मॉनसून इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, और सबसे बड़ी है कि एक बड़ी समस्या महंगाई का कारण है कि मौसम का सफल होना। आज देखिए, मौसम है जो समय पर आता नहीं है, आज अंधाधुंध है जो हम लोग जंगल को, पेड़ पौधे को काट दिए हैं, जो आज आप लोग जानते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 80% लोग यहाँ खेती पर डिपेंड करते हैं,
अब देखो जोन किसान को 500 बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, लेकिन मौसम नहीं आता है तो वो अपना खेती नहीं कर पाता है। अब खेती नहीं कर पाता है अच्छा तरीका से, वो सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए सिर्फ खेती किया, क्योंकि मौसम पर वो डिपेंड रहता है किसान लोग। अब सोचो जौन अनाज को होना चाहिए था 1000 क्विंटल, वो हो रहा है 100 मन, तो 100 मन है हो गया तो पूरे उसका ऑटोमेटिक है कि उसका मूल है जो काफ़ी हो जाएगा। जैसे आप आलू के सीजन में देखे होंगे है ना, जनवरी में हम लोग के यहाँ देहात में लोग या आलू कबरता है तो उसके पहले देखो आलू का कितना रेट रहता है, लेकिन सब किसान के पास भरपूर मात्रा में हो जाता है तो ऑटोमेटिक है जो आलू का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि प्रचुर मात्रा में हर एक के पास उपलब्ध है, लेकिन आज जितने भी है ना दाल है चावल है ये तब होगा जब मानसून पर यह सभी डिपेंड करता है। मौसम है जो आज असफल हो चुका है, समय पर बारिश होता नहीं है, इसीलिए आज वी आर नॉट ग्रोइंग टू मच ग्रेन्स, इसलिए हम लोग काफ़ी अनाज नहीं उपजा रहे हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइजिंग प्राइस, ये भी महंगाई का एक बड़ा पार्ट है, अंग है ना, महंगाई का ये भी एक कारण बन गया है। आज बड़े बड़े किसान लोग हैं जो मौसम असफल हो गया है, समय पर मौसम आता नहीं है, इसलिए वो खेती भी अब नहीं कर पाते हैं है ना। काफ़ी मात्रा में लोग तब ना खेती करेगा, बड़े बड़े किसान लोग, जब समय पर मानसून होगा, और मानसून समय पर होगा जम कर लोग खेती करेगा, इतना पैदा होगा कि ऑटोमेटिक है जो दाल चावल सब का भाव कम जाएगा, तो ये भी एक महंगाई का मुख्य कारण है। सो इसीलिए आवर गवर्नमेंट मस्ट टेक अ स्टेप अगेंस्ट राइजिंग प्राइस, इसलिए हमारी इसलिए अवश्य हमारी सरकार को महंगाई के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। महंगाई कैसे रुकेगा इस पर विचार करना चाहिए। करप्ट नेता पदाधिकारी है ना मंत्री, ये सभी पर हमेशा जांच पड़ताल करना चाहिए और महंगाई के बारे में हमारी सरकार को रोकना सोचना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, न तो अन्यथा ऐसा आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा कि यहाँ पर गरीब लोग मिडिल फैमिली के लोग भूखे मर जाएंगे, जिस प्रकार से महामारी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसी प्रकार से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। आज बड़े बड़े राज्य में स्टेट में जाकर देखो, हम लोग को तो सुबह शाम खाना भी मिल रहा ना, बहुत सारे लोग बेचारा दो दो साल तीन तीन साल पानी पीकर आ जाता है तब उसको भोजन का प्रबंध होता है। ये हमारे देश की कंडीशन है, ये समाज की कंडीशन है, तो इसलिए हमारी सरकार को अवश्य महंगाई के खिलाफ एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ये इसका हिंदी हुआ, इसको देख लीजिएगा एक दो बार वीडियो, समझ लीजिएगा, पूरे अच्छी तरीका से बता दिए हैं, तो पर भी प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।